अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक ख़ास नुस्खा चुनके लेके आया हूँ। ये नुस्खा अगर कोई अपनी मतलब पर रख लेता है तो उसकी मतलब की शान बन जाता है। वाकई ये नुस्खा, कोई हकीम अगर इस नुस्खे को अपनी मतलब पर रख लेता है तो मतलब में चार चांद लगा देता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही नुस्खा बता रहा हूँ। नुस्खा कितनी चीज़ों में काम करेगा ये सुन लें। जिरयान को जड़ से ख़त्म कर देगा ये नुस्खा, अहतलाम को हमेशा के लिए बंद कर देगा ये नुस्खा, सुरात इंजाल को इसकी जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़कावत हिस के लिए भी बहुत बेनज़ीर और बेमिसाल तोहफ़ा है ये नुस्खा। तो दोस्तों, अगर आप जिरयान के धात के मरीज़ हैं और इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, बहुत सारे हकीमों के आपने चक्कर लगा लिए लेकिन कोई फ़ायदा आपको हासिल नहीं हुआ, जिरयान की आपको दिक्कत है, ज़माना हो गया लेकिन धात और जिरयान की शिकायत ख़त्म नहीं हुई, अगर आपको नाइट फेल यानी अहतलाम सपनदोज की दिक्कत है और आप दवाई खाते खाते थक चुके हैं तो फिर आप घबराइएगा नहीं, ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हकीम साहब दुखूल करने से पहले बीबी के पास जाने से पहले ही हमारी पैन की बिजली हो जाती है, कुछ नहीं हो पाता, एक मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ख़ास नुस्खा है ये, वो बना के इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह मुझ नाचीज़ को आप ज़िंदगी भर दुआओं में ज़रूर नवाजते रहेंगे अगर आपने नुस्खा इस्तेमाल कर लिया तो। दोस्तों, नुस्खा है किसके लिए और इसे इस्तेमाल कौन कर सकता है ये मैं सबको बता ही देता हूँ, ठीक है। इसको बनाने की तरकीब क्या है ये भी मैं बता ही देता हूँ, इसमें लेना क्या क्या है मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ, और परहेज क्या है ये सब मैं आपके सामने इंशाल्लाह बात रखूँगा। लेकिन आज उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाए। आज इस परेशानी में, सुरात वाली परेशानी में 99% लोग परेशान मुझे नज़र आते हैं। कोई कहता है कि हकीम साहब बहुत जल्दी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, कोई कहता है जाने से पहले हो जाते हैं, कोई कहता है कि एक मिनट में ही हो जाती है। तो दोस्तों, आज तुम्हारे लिए मैं एक बहुत स्पेशल नुस्खा लेके आया हूँ, आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कर लेंगे, दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। पहले तो नुस्खा सुन लें आपको, इसमें लेना क्या है, फिर मैं इंशाल्लाह इसको बनाने की तरकीब भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बनाने की तरकीब भी बिल्कुल जुदा है और अलग है दोस्तों, ठीक है। और जो है मतलब सफ़ूफ़ों की तरह नहीं है इसकी तरकीब, इसकी एक ख़ास तरकीब है किस तरह से आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो तरकीब ज़रूर सुनें, बल्कि मेरी तो एक गुजारिश रहती है कि वीडियो को आप आखिर तक ही देखा करें, उससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपको इसमें लेना है सेमाब, ठीक है दोस्तों, आप नोट करते जाएं,
सेमाब लेना है आपको दो माशा। कलई सेमाब भी दोस्तों मुसफ़ा ही लेना है, ठीक है, दो माशा कलई मुसफ़ा एक तोला, कलई मुसफ़ा एक तोला। बेश मुदब्बिर ये दोस्तों तीन माशा आपको लेना है। बेख लिफाह ये भी आपको तीन माशा लेना है। दखनी मिर्च आपको दो तोला लेना है। दोस्तों नुस्खा बस आपका मुकम्मल हो गया, यही इसमें अज्ज़ा लेना है। अब इसकी बनाने की तरकीब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। सिमाब और कलई की गिरा करें, ठीक है, फिर बेख लिफाह और बेश डालकर और बारीक करके यकजा कर लें, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से बारीक करें, यकजा कर लें। फिर सब मुरक्कब में यानी जो आपने एक जगह कर लिया है उसमें जो है एक मिर्च डालें और डालने के बाद उसको खरल करें अच्छे से। जब वो खरल हो जाए तो फिर दूसरी मिर्च डालें, फिर खरल करें, मतलब एक एक करके इस तरह से एक एक मिर्च डालते रहें, खरल करते रहें, मिर्च डालते रहें, खरल करते रहें, यहाँ तक कि आप सारी मिर्चें डाल दें और ये मिसले गुबार के बिल्कुल बारीक हो जाए, मैदा से भी ज़्यादा बारीक हो जाए, ठीक है, इसको आप बना लें। बनाने के बाद आप किसी अच्छे डब्बे में महफूज करके रखें और आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मकदार ख़ुराक तीन या चार चावल के दाने, ठीक, तीन या चार चावल के दाने मक्खन के साथ आपको इस्तेमाल करना है। गाय के साथ जो भैंस का या गाय का मक्खन होता है ना, तीन या चार चावल के दाने की मकदार में लेके आप मक्खन के साथ इस्तेमाल करें तो इस दौरान आप तली भुनी चीज़ से परहेज करें। दोस्तों जिरयान के लिए, धात के लिए, सुरात इंजाल के लिए, अहतलाम के लिए, वीर्य को गाढ़ा करने के लिए शायद आपने ये नुस्खा पहली बार ही सुना हो, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आज आपके सामने फॉलो कर रहा हूँ, इसको शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं ये चाहता हूँ जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, जितने भी मुझे देखते हैं, जो लोग मेरे अहबाब हैं, उन तक मैं एक से एक बेहतरीन और बेनज़ीर नुस्खा पहुँचाऊँ। जो बनाना जानते हैं वो बना लें, वरना आप किसी हकीम साहिब से रابطہ करें, उनसे बनवा लें, या आप मुझसे भी रابطہ कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, हमारे यहाँ पर ही बनाइए, आपको मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको इस्तेमाल करें, जहन को पाक साफ रखें और इसको इस्तेमाल ठीक कम से कम 40 दिन करना है। रिज़ल्ट तो इसका दोस्तों पहले हफ्ते में ही आ जाता है, लेकिन आपको कम से कम 40 दिन वरना दो महीना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 200 साल पुरानी जो आपके अंदर दिक्कतें हो चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस्तेमाल करके मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर नवाजें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें, और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।